अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह हम घर पर बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार ग्रिल फिश बना सकते हैं। घर पर ग्रिल फिश बनाना या बारबेक्यू करना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि बाज़ार जैसा टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन मेरी आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये काम बहुत ही आसान लगेगा और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस तरह से फ़िश बनाएंगे तो सब इंशाल्लाह आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे कि आपने बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार फ़िश बनाई है। यहाँ पर मैंने 2 किलो फ़िश ली है और इसको साफ़ करवाने के बाद ये तकरीबन 1.5 किलो रह गई है। अभी मैंने फ़िश को वॉश नहीं किया। फ़िश को हमने इस तरह से 2 पीसेस में कट करवाना है और इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगवा लेने हैं, ताकि जब हम इस पर मसाला लगाएं तो वो अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। अब हमने 4 से 5 लीमुओं का रस अच्छी तरह से फ़िश को लगाना है। दोनों साइड्स पर लीमुओं का रस लगाने के बाद हमने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद हम फ़िश को वॉश कर लेंगे। इस तरह से फ़िश बहुत अच्छी तरह साफ़ होती है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर मैंने फ़िश को अच्छी तरह से धो लिया है। आप देख सकते हैं ये कितनी साफ़ हो गई है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, तो चलें चलते हैं, अब इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। मैरिनेशन बनाने के लिए हम एक बाउल ले लेंगे। पिसा हुआ लहसुन और अदरक जाएगा 2 खाने के चम्मच। इसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें डाल के उन्हें भी साथ ही पीस लिया था। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। लीमू का रस इसमें जाएगा 3 खाने के चम्मच। इतनी फ़िश के लिए 3 खाने के चम्मच बिल्कुल मुनासिब है, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। पिसा हुआ खुश्क धनिया इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 खाने का चम्मच। ये हमारे पास फिश मसाला है, ये जाएगा इसमें 3 खाने के चम्मच। नमक इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना वरना ज़्यादा हो जाएगा। अब हम इसमें 3 खाने के चम्मच से पून का तेल डालेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैरिनेशन हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको हाथ की मदद से फिश पर अप्लाई करेंगे। आपने जब भी इस तरह की मैरिनेशन करनी है तो हाथ की मदद से ही करनी है, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना, इससे मसाला बहुत अच्छी तरह लग जाता है। पहले हम कट्स में मसाला लगा देंगे और फिर बाद में सारी फिश पे अच्छी तरह से मसाला लगा देंगे। दोनों पीसेस पर मसाला लगाने के बाद अब हम इनकी साइड बदल देंगे और दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से मसाला लगा देंगे। जितना मसाला हमने बनाया था ये 1.5 किलो फिश के लिए काफ़ी था। अगर आपकी फ़िश ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से ज़्यादा मसाला बना सकते हैं। दोनों पीसेस को मैंने अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है। अब हमने इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम फिश को ग्रिल करेंगे। आपने 2 बड़े साइज़ के कोयले लेने हैं और उनको चूल्हे के ऊपर अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख देना है। 10 से 15 मिनट में हमारे कोयले अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे। फिर हमने इनको उठा के अंगीठी में बाकी छोटे कोयलों के साथ रख देना है। इस तरह हमें कोयले गर्म करने में कोई मुश्किल नहीं होगी और सारे कोयले अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे। इसके बाद हमने अपनी फ़िश को ग्रिल में लगाना है। बारबेक्यू वाली ये अंगीठी और ग्रिल पैन आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा। फ़िश को ग्रिल में लगाने के बाद हम कोयलों को अच्छी तरह से अंगीठी के अंदर फैला देंगे। इस बात का आपने ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा हीट ना हो, इससे हमारी फ़िश ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। और आपने फ़िश को एक साइड से ज़्यादा देर तक भी नहीं पकाना, बल्कि 2 से 3 मिनट के बाद आपने साइड बदलते रहना है।
इस तरह से हमारी फिश दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक भी हो जाएगी और जलेगी भी नहीं। यहाँ पर मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच मक्खन लिया है और इसको अच्छी तरह से पिघला लिया है। अब हम एक ब्रश की मदद से इस मक्खन को फिश के ऊपर लगाएंगे। फिश के ऊपर मक्खन लगाने से हमारी फिश बहुत सॉफ्ट और जूसी बनती है। इस तरह से हम मक्खन को फिश के ऊपर अप्लाई कर देंगे। एक साइड पर मक्खन को अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद हम इसकी साइड बदल देंगे। साइड बदलने के बाद दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से मक्खन लगाएंगे और फिर इसको कुक करेंगे। हीट का आपने अच्छे से ख्याल रखना है कि वो ज्यादा ना हो, वरना हमारी फिश वहां से जल जाएगी। इस तरह से आपने 4 से 5 दफा साइड बदलते रहना है और दोनों तरफ मक्खन अप्लाई करते रहना है। तकरीबन आधे घंटे में हमारी फिश अच्छी तरह से पक्के तैयार हो जाएगी। फिश हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हमने जिस ट्रे में इसको निकालना है उस ट्रे को फिश के ऊपर उल्टा करके रखेंगे और फिर ग्रिल पैन को बंद करके उल्टा देंगे। इस तरह से हमारी फिश आसानी के साथ ट्रे में शिफ्ट हो जाएगी। बहुत जूसी और बहुत ही मज़ेदार ग्रिल फिश हमारी तैयार है। बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो या आपने इससे कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।